हेलो लर्नर्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन लॉग हंड्रेड इज इक्वल हंड्रेड वन टू पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री लॉग वन जीरो टू पॉइंट जीरो टू टू पॉइंट जीरो 102। वी यहाँ पे वैल्यू डेसिमल प्लेस चार तक दी हुई अगर इस तरह से चार डेसिमल या जितने भी डेसिमल क्वेश्चन में दिए हों हमें कम से कम उतने डेसिमल फॉलो करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज में आएगी मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन इसी थ्योरम के यूज से सॉल्व होते हैं इफ फंक्शन ऑफ एक्स बी अ पोलिनॉमल ऑफ डिग्री एन इन एक्स देन द एन डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड एन प्लस वन आयर डिफरें देर फॉर डेल्टा रेस्ट टू एन प्लस वन एफेक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन यहाँ पे सोल्यूशन में इस थर्म को यूज करेंगे जैसे मान लें अगर थ्री डिग्री का पोलिनल है जैसा पोलिनल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वास प्लस डी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है जिसमें क्यूब मैक्सिमम पावर है तो थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया इसके जो थर्ड डिफरेंसेस आएंगे वो कांस्टेंट होंगे और फोर्थ और हायर डिफरेंसेस के जीरो है। ये थ्योरम से हमें पता चलता है अब मैं इसका प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है सबसे पहले जो वैल्यूज हैं हंड्रेड वन हंड्रेड वन एटसेट्रा ये इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज हैं तो इन इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज को हम एक्स के लिए लिखेंगे ये वैल्यूज एक्स की हो गई और जो उसका फंक्शन है वो लॉग एक्स है क्योंकि हमें लॉग में वैल्यू दी है लॉग हंड्रेड लॉग वन हंड्रेड वन एटसेट्रा तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है इस जगह पे फंक्शन नोन है फंक्शन नोन ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उसकी वैल्यूज़ गिवन होती है क्वेश्चन तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें हमने लिख दिया वन जीरो टू मिसिंग है तो उसकी जगह ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया अब जैसा हम टेबल बनाते हैं एज यूजल टेबल हम फॉर्म कर देंगे टेबल में अगर आपको ये क्लियर ना हो कि कौन सा डिफरेंस टेबल बनेगा तो आप जस्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस एटसेट्रा इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं इसमें डेल्टा कौन सा यूज़ हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपनी जो टेबल बनती है वो एक जैसी ही टेबल बनती है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकेंड सो ऑन इसी वे में बनती है तो अभी हम इसको सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है तो इस क्वेश्चन मार्क को हम नेमिंग कर लेते हैं ये वाई जीरो वाई वन वाई टू ऐसा मैं करस्पोंडिंग वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स की वैल्यूज़ जो हैं ये एक्स जीरो एक्स वन ये वाई की वैल्यू वाई ज़ीरो वाई ज़ीरो आएगा यहाँ पे वाई वन एक्स टू के करस्पॉन्डिंग वाई टू एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग वाई थ्री x4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y4 नेमिंग भी कर लिया हमने इसका और ये जो y2 है थर्ड है माइनस सेकेंड टू पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री इस तरह से लिख लेंगे फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है टू पॉइंट ज़ीरो वन टू एट माइनस वाई टू फिर टू पॉइंट जीरो वन सेवन जीरो लास्ट वाली वैल्यू माइनस सेकेंड लास्ट वैल्यू टू पॉइंट जीरो वन टू एट इस वैल्यू में तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करके इसको सिंपलीफाई करके मैं रिजल्ट लिख देती हूँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर टू इस वैल्यू को हम यूज़ करें अब यहाँ पे सेकंड डिफरेंसेस फाइंड करने तो सेकंड डिफरेंसेस के लिए इस डिफरेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है वाई टू माइनस ये माइनस और ये भी माइनस में आएगा तो ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी तो माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स अगेन थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू यहाँ माइनस का वाई टू है फिर माइनस वाई टू आएगा ये माइनस वाई टू माइनस वाई टू माइनस टू वाई टू हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी ये इसमें जुड़ जाएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा फोर पॉइंट जीरो वन सेवन वन माइनस टू टाइम्स वाई टू साइन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि तो यहाँ गलती हो सकती है अब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास इस वैल्यू को में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है पॉइंट जीरो जीरो फोर टू माइनस टू पॉइंट जीरो वन टू एट और ये प्लस में आ जाएगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी फाइनल वो होगी वाई टू माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स ये सेकेंड डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए थर्ड तो डिफरेंस करेंगे तो दिस माइनस दिस अब यहाँ माइनस टू वाई टू और माइनस वाई टू हो जाएगा मतलब माइनस थ्री वाई टू हो जाएगा और दिस प्लस दिस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स पॉइंट जीरो टू फाइव सेवन माइनस टाइम्स वाई टू ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा फिर ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू अब यहाँ वाई टू है और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होकर थ्री वाई टू हो जाएगा तो थ्री वाई टू तो ये माइनस की क्वांटिटी और उसमें ये भी माइनस में आ जाएगा तो फाइनली इससे मिल जाएगा माइनस सिक्स पॉइंट जीरो टू फाइव सेवन अब ये दो डिफरेंस है फोर्थ डिफरेंस लास्ट वाला आपका निकलेगा इससे डिफरेंस तो कंप्लीट हो जाएगा दिस माइनस दिस अब ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी हो गई और ये वाला पॉजिटिव हो गया तो थ्री वाई टू थ्री वाई टू सिक्स वाई टू हो गया इसको लिख देंगे सिक्स वाई टू माइनस ट्वेल्व पॉइंट जीरो है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू थर्ड माइनस सेकेंड फोर्थ माइनस थर्ड फिफ्थ फिफ्थ माइनस फोर्थ तो इस तरह से हमने ये टेबल फॉर्म कर लिया अब जितनी वैल्यूज है हमारे पास जैसे यहां पे हमारे पास वैल्यूज हैं गिवन वन टू थ्री एंड फोर फोर गिवन वैल्यूज है एक मिसिंग वैल्यू है तो फोर गिवन वैल्यूज से हम कितने डिग्री का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ये अनोन से वन टू थ्री एंड फोर तो हम थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल मैक्सिमम लिख सकते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि थर्ड डिग्री पॉलिनॉमल जो है उसके बेसिस पे जो फोर्थ और हायर डिग्री के वैल्यूज़ हैं डिफ्रेंसेस वो ज़ीरो हो जाएंगे फोर्थ तो और हायर थर्ड डिग्री थर्ड वाले जो डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट, और जो फोर्थ है और हायर है वो जीरो तो उस बेसिस पे ये जो लास्ट वाला है ये जीरो हो जाएगा तो बाय फंडामेंटल थ्योरम और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फोर्थ डिफरेंसेस आर जीरो वी कैन राइट सिक्स वाई टू माइनस ट्वेल्व पॉइंट जीरो फाइव वन फोर इज इक्वल टू जीरो और इसको सॉल्व करके साइड चेंज करके सिंपलीफाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा इट इज़ टू पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स एंड दिस इज अवर रिजल्ट टू पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स यही आंसर है यहाँ पे ये यह वैल्यूज जो हैं आपको ये आंसर जो है इनके बीच का ही मिलेगा टू पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री और टू पॉइंट जीरो वन टू एट के बीच में ही आएगी टू पॉइंट डबल ज़ीरो एट सिक्स इस तरह से हम थोड़ा सा इसको आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ मैं आपको कंप्यूट करनी है नेक्स्ट थ्री वैल्यूज और गिवन दैट आपको है एक्स की वैल्यूज़ दी हैं टोटल सेवन वैल्यूज़ हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई हैं वाई की तो इसे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है ये अपना क्वेश्चन फॉर्म है यहां पे अपने को x की सेवन तक की वैल्यूज गिवन है और y की इतनी ही वैल्यू गिवन उसके बाद सब मिसिंग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम डिफरेंस टेबल यूज कर सकते हैं तो इसके जो डिफरेंसेस बनेंगे हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू तो माइनस वन माइनस वन माइनस

दिस इज वाई सिक्स एंड दिस इज वाई सेवन ये तीन वैल्यूज हम फाइंड करना चाह रहे हैं एज यूजल टेबल फॉर्म कर लेंगे वाई फाइव माइनस वन नेक्स्ट इज वाई सिक्स माइनस वाई फाइव एंड वाई सेवन माइनस वाई सिक्स अब जो नेक्स्ट है वो सेकेंड डिफरेंसेस अपन लिखेंगे टू माइनस माइनस टू यानी फोर माइनस टू माइनस टू माइनस फोर टू माइनस माइनस टू दैट इज प्लस फोर वाई फाइव माइनस वन माइनस टू Y five minus three. In similar manner, Y six minus Y five minus Y five. Y six minus two times Y five minus minus plus one. And last one is Y seven minus two times Y six. प्लस वाई फाइव नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टेबल को थर्ड डिफरेंसेस आ जाएंगे थर्ड डिफरेंस के लिए माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट फोर माइनस माइनस फोर डैट इज प्लस एट वाई फाइव माइनस थ्री माइनस फोर वाई फाइव माइनस थ्री एंड माइनस फोर माइनस सेवन वाई सिक्स माइनस टू टाइम्स फाइव टू टाइम्स वाई फाइव और ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री टाइम्स वाई फाइव एंड ये प्लस का वन है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर अगेन लास्ट वाला वाई सेवन माइनस यहाँ टू वाई सिक्स है और ये माइनस का वाई सिक्स आएगा तो माइनस थ्री वाई वाई फाइव माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री टाइम्स वाई फाइव और ये क्वांटिटी नेगेटिव में आ जाएगी माइनस One. तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया इसके लिए और कंटिन्यू करेंगे टेबल को और फोर्थ डिफरेंस लिखेंगे फोर्थ डिफरेंस एट माइनस माइनस एट दैट इज प्लस सिक्सटीन नेक्स्ट इज वाई फाइव माइनस सेवन माइनस एट that is minus 15 then y6 minus 3y5 or minus ka y5 minus 4y5 4, 4 minus minus plus 7 plus 11 and last one is y7 minus 3 times y6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इसको अभी हम चेंज कर लेते हैं दिस इज वाई सेवन माइनस ये थ्री टाइम्स वाई सिक्स माइनस वाई सिक्स फोर टाइम्स वाई सिक्स दैन थ्री टाइम वाई फाइव एंड प्लस थ्री टाइम वाई फाइव तो सिक्स टाइम्स वाई फाइव एंड माइनस वन एंड माइनस फोर माइनस फाइव ये फोर्थ डिफरेंसेस हो गए नेक्स्ट वन इज फिफ्थ डिफरेंस फिफ्थ डिफरेंस में वाई फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन वाई फाइव माइनस 31 next is y6 minus 4y5 and this minus y5 minus 5 by 5 11 minus minus plus 15 that is 26 and this one last is y7 minus 4 times y6 minus y6 that is 5 times y6 6 times y5 plus me uh, 4 times y5 10 times y5 minus 5 minus 11 minus 16 अब यहाँ पे हम फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ था फंडामेंटल थ्योरम से जो कुल cool वैल्यूज दी हुई हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वैल्यूज़ आर गिवन अगर हमारे पास फाइव वैल्यूज़ हैं तो हम फोर्थ डिग्री का पोलिनल लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम से उस पॉलिनॉमल के फिफ्थ डिफरेंसेस जीरो यहाँ पे हम फिफ्थ डिफरेंस निकाल चुके ये फिफ्थ डिफरेंसेस हैं तो ये जीरो होने चाहिए तो इसको हम एक लाइन में ऐसा लिख देंगे सिंस फाइव वैल्यूज आर गिवन देन बाय फंडामेंटल थ्योरम डेल्टा रेस टू फाइव वाई इज इक्वल टू ज़ीरोट ये जो टर्म्स हैं ये ज़ीरो के बराबर आ जाएंगे इससे पहला टर्म वाई फाइव माइनस थर्टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा और इसमें हमें वाई फाइव की वैल्यू मिल जाएगी थर्टी वन तो एक वैल्यू हमें मिल गई 5 is equal to 31 next y6 minus 5 by 5 plus 26 is equal to 0 and this will imply y6 minus 5 into 31 and uh, plus twenty six is equal to zero this will imply y six is equal to one twenty nine after solving we get a result which is one twenty nine now last one is this expression y seven minus Five times Y six plus ten times Y five minus sixteen is equal to zero. And after solving it we can find value of Y seven which is three five one. And these are our answers. This video is it. Thanks for watching.